फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। और आज मैं फिर से एक क्वेश्चन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैम क्वेश्चन वीडियो बनाइए, क्वेश्चन वीडियो बनाइए। तो मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन वीडियो बनाया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप क्वेश्चन वीडियो के लिए तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, प्रैक्टिस पेपर आप खुद से सॉल्व कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छे से आप उसको सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट को कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैंने सारे सी टेट के क्वेश्चंस रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि इनमें से कौन सा है एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे लिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम से एसोसिएटेड है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसी क्लासरूम जहाँ पे हर तरह के बच्चे जो हैं वो रह सकते हैं, आ सकते हैं, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हों, चाहे अच्छे हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, वीक हों, तो उनको मतलब कि ऐसी क्लासरूम जिसमें हम सारे बच्चों को शामिल करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाती है। तो उसमें कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? पहला है कंपटीशन, सेकंड है सिंपथी, सी है एनवी या डी है कोलैबोरेशन। तो देखिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कोलैबोरेशन। क्योंकि जब हम कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल के, कोलैबोरेट होकर किसी काम को करना, तो इंक्लूसिव क्लासरूम वो तभी कहलाएगी जब वहाँ पे हम सारे बच्चों को मिलजुल कर एक साथ, किसी में भेदभाव ना करें, सबको मिलजुल के। देखिए सिंपैथी भी हम दिखाते रहेंगे तो एक बच्चे को उतना अच्छा नहीं लगेगा कि टीचर मुझे पे सिंपैथी दिखाते रहती। तो हमें क्या करना है कि हम सबको एक जैसा समझें और सारे बच्चों को भी शिक्षा दें कि आप एक दूसरे को एक जैसा समझ के हेल्प करो। तो कोलैबोरेशन जो है वो सबसे बेस्ट वैल्यू है जो कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में होनी चाहिए। सेकंड है हमारा अ स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडली। यानी कि स्पेशल नीड वाली क्लासरूम जो होती है वो कैसी होगी? हैज़ एक्स्ट्रा टीचर्स टू द हेल्प रेगुलर टीचर्स, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा टीचर होंगे जो रेगुलर टीचर को हेल्प करेंगे। बी एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, बहुत ज़्यादा फर्निश्ड होगी, बहुत सारे फर्नीचर होंगे। लोकेटेड सेपरेटली, अलग होगी मतलब कि और जो क्लासेस होती हैं उनसे अलग होगी उसकी लोकेशन। या इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, या उसमें हर तरह के लर्नर्स होंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे पहले वाले में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम क्या है कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को स्पेशल नीड होती है। तो हम स्पेशल नीड के लिए ऐसा नहीं होता कि हम अलग से क्लास बना दें। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं अगर जिनको बहुत ही स्पेशल नीड है, जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम हो रही, किसी को देखने में, तो हम उनके लिए स्पेशल, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उनको ऐसी जो क्लास हो जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ें, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम बना के दें, ताकि वो अपने आप को लो फील ना करें, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम कैसी होनी चाहिए जिसमें कि हर तरह के लर्नर्स शामिल हों। नेक्स्ट है स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैप इफेक्टिवली एंड मिक्स अ वर्ड एंड स्ट्रक्चर्स ईजिली। यानी कुछ स्लो लर्नर्स हैं, स्लो लर्नर्स जो होते हैं जो धीरे सीखते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर शब्दों को और स्ट्रक्चर्स को जो है वो मिला लेते हैं, ईजिली समझ नहीं पाते हैं। टीचर्स कैन रेमिडिएट बाय बिगनिंग विद, तो टीचर इस चीज़ को कैसे सही कर सकती, कैसे उनको रेमिडी दे सकती है? ए है सेटिंग ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, यानी वो प्रैक्टिस कराए। बी है पेयरिंग दैम विद क्लेवर स्टूडेंट्स, यानी कमज़ोर बच्चे जो हैं जो ऐसे गलतियां कर रहे हैं उनको क्लेवर स्टूडेंट्स के साथ पेयर बना के बिठा दें, यानी जोड़ी बना के बिठा दें। आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ डिफ़िकल्टीज, आइडेंटिफाई करें कि बच्चों की डिफ़िकल्टी एरियाज कहाँ हैं, कहाँ वो गलती कर रहे हैं। या डी प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट,
यानी कि जो भी वो पढ़ाने जा रही है उसकी एक समरी प्रिपेयर कर दे ताकि बच्चे को पहले समरी समझा दे। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप अपने आप को टीचर की जगह रख के सोचिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी कि आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ डिफ़िकल्टी, कि पता करना कि बच्चे जो हैं वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और जब हम ये पता कर लेंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं तो हम अपना जो मेथड है उसके हिसाब से हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस हिसाब से हम अपने लेसन की बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और अपनी रेमेडियल टीचिंग जो हम देने वाले बच्चों को उसकी शुरुआत करेंगे कि हमें किस तरह से रेमेडी देनी बच्चे को। क्योंकि रेमेडी देनी आपको बच्चे को, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि बच्चे का जो डिफ़िकल्टी है वो कहाँ आ रही है, कौन सा एरिया है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो हम अपनी रेमेडी की शुरुआत कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। फोर्थ है अ गुड टीचिंग लर्नर मटेरियल, यानी कि TLM कैन बेस्ट, यानी कौन से लर्निंग मटेरियल्स को आप अच्छा लर्निंग मटेरियल कह सकते हैं। ए बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि एंटरटेनमेंट के सोर्स हो। बी हेल्प द टीचर टू ट्रांसेक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि टीचर को हेल्प करे और बिना किसी मॉडिफिकेशन के, यानी कोई से बदलाव ना लाना पड़े और उनकी हेल्प हो जाए उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। सी हेल्प द लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज, लर्नर को हेल्प करे किसी लैंग्वेज को सीखने में, एक्वायर करने में। या डी फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करें, बढ़ाएँ, अच्छा बनाएँ, तो वो एक गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज़ नहीं करते टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दूसरी बात है कि हेल्प करें लर्नर को एक्वायर करने में लैंग्वेज, ठीक है वो बहुत अच्छी है कि हमारा मेन मोटो होता है TLM को यूज़ करने का कि बच्चे को ईजिली चीज़ें समझ में आए। लेकिन जो मेन, जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम TLM यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, बढ़ाए, अच्छा बनाए और शीघ्रता से बच्चे इस चीज़ों को सीख पाएँ, आसानी से सीख पाएँ। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर टू, यानी कि एक बच्चा जो है वो अगर डिक्शनरी को यूज़ करता है तो डिक्शनरी उसे क्या चीज़ नहीं करने में हेल्प करती, यानी किस चीज़ में वो डिक्शनरी हेल्प नहीं करती। नॉट, इसमें कीवर्ड है नॉट, आप याद रखिएगा इसे। तो किस चीज़ में हमें डिक्शनरी हेल्प नहीं करती। ए फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, यानी ये समझने में कि कैसे शब्द को बोलना है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी जब हम ओरल कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंसी में, यानी कहाँ पे उसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको समझने में। सी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, उस शब्द के अर्थ को पता करने में। या डी चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, ये पता करने में कि ये जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ द स्पीच का पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते होंगे जिसमें वर्ब आते हैं, एडवर्ब आते हैं, कंजक्शन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें से किस में आता है। तो डिक्शनरी हमें किस चीज़ में हेल्प नहीं करती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको पता होगा, आपने डिक्शनरी देखा होगा तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि ये वर्ड वर्ब में आ रहा है या एडवर्ब में आ रहा है या किस में आ रहा है। फाइंड द मीनिंग, मीनिंग के लिए तो हम डिक्शनरी को यूज़ ही करते हैं। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, यानी कि इस वर्ड को हमें कैसे बोलना है, तो आप देखेंगे वहाँ पे हिंदी में लिखा रहता है शब्द, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि हमें ये नहीं बताती डिक्शनरी की ओरल कम्युनिकेशन, यानी जब हम उस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सोच लेते हैं शायद यहाँ पर यूज़ किया जाएगा क्योंकि उनकी मीनिंग काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, तो हमें ये चीज नहीं बताती है डिक्शनरी। जो इसका आंसर होगा सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर अ क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज अ डैश एक्टिविटी।
यानी हमने बच्चों को पूरी क्लास को एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमने उनको बोला है कि वाटर कंजर्वेशन यानी कि हम जल का संरक्षण कैसे करें उस पर उनको पावर पॉइंट बनाना है और एक यानी पीपीटी बनानी है और उसको प्रेजेंट करना है। तो ये जो है वो क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी या बी साइंस प्रोजेक्ट या सी ग्रुप और या फिर डी लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी ये कैसी एक्टिविटी है। तो देखिए साइंस प्रोजेक्ट नहीं, हम अगर लैंग्वेज की क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें साइंस से मतलब नहीं है, हमने किसी और मकसद से उसे दिया होगा। देखिए सही बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस भी नहीं होगी क्योंकि हम तो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ग्रुप, क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। टीचर का मकसद है कि बच्चे मिलजुल कर काम करना सीखें, इसलिए उसने पूरी क्लास को एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला है। तो ये टीचर जो है वो ग्रुप एक्टिविटी करा रही है बच्चों से ताकि बच्चे मिलजुल कर काम करना सीख पाए। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, यानी कि अगर टीचर एक इंग्लिश टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रही है तो वो किस लिए कर रही है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए करती है। ए इंटेलिजेंट लर्नर इन हर क्लास, इंटेलिजेंट लर्नर को सर्च करने के लिए कि मेरी क्लास में कौन सा इंटेलिजेंट लर्नर है। डी स्लो लर्नर इन हर क्लास, या स्लो लर्नर को पता करने के लिए। सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर फेस इन द इंग्लिश, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता करना कि बच्चे कौन सी जगह पे डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। या डी द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाय हार्ट, वो टॉपिक पता करने में जिसे बच्चे ने रटा नहीं है, लर्न नहीं किया है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये पता करने के लिए कि किस बच्चे को प्रॉब्लम है, कौन सा बच्चा प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जो हमारे दो ये ऑप्शन काफ़ी सही लग रहे हैं हमें, क्योंकि स्लो लर्नर्स को हमें पता करना होता है क्लास में, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ द लर्नर फेस इन इंग्लिश, यानी कि वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को भी पता करना जो कि बच्चा फेस कर रहा है। लेकिन मेन मकसद जो सबसे पहला हमारा वो होता है स्लो लर्नर को पता करना, यानी कि वो बच्चे पता करना फर्स्ट स्टेप ही होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, कि उन बच्चों को पता करना जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। आपने देखा होगा जब मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट बताया, तो मैंने बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हम रेमेडियल टीचिंग भी करते हैं, रेमेडियल टीचिंग में भी हेल्प करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रेमेडियल टीचिंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है, डायग्नोसिस एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, यानी कि बच्चे की डायग्नोसिस करना और जो गैप है, जो बच्चे में गैप आ रहा है, यानी कि जो छूटता जा रहा है बच्चे में, बहुत सारी चीज़ें नहीं उसे आ रही हैं समझ में, उसको पता करना। सेकेंड टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक से परे पढ़ाना, टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा ऊपर से पढ़ाना, अलग से पढ़ाना। या सी एक्स्ट्रा कोचिंग बाई पेरेंट्स, या पेरेंट्स के थ्रू एक्स्ट्रा कोचिंग देना। या टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, या जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना। तो क्या है कि रेमेडियल टीचिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है, वो एज अ पार्ट रेमेडियल टीचिंग क्या काम करती है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग हम करते क्यों, ये डायग्नोस करने के लिए कि कौन से बच्चे जो हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनमें कमी है सीखने में, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो डायग्नोसिस डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्नर, यानी कि बच्चे में जो कमियाँ हैं, जो डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका पता करने में हम रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को समझाना, यानी आप कह सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कब इफेक्टिव होगी, व्हेन इट ए इज़ यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसे उस लैंग्वेज में यूज़ करें, उस लैंग्वेज को ही यूज़ करें। बी इन्वॉल्व पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि हम टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें जो भी हमने काम किया है, जो भी समझाया है। सी इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाई स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस,
यानी बच्चा ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करे, जो भी उसको गाइडलाइन दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए, तब वो जल्दी सीखेगा सेकेंड लैंग्वेज को। या डी, इस प्रैक्टिसाइज्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट, या बच्चा प्रैक्टिस करे उस लैंग्वेज में उन सिचुएशन में जो कि फैमिलियर है काफ़ी उसके लिए, जैसे कि वो क्लास में बात करे, घर में बात करे, आते जाते समय जो डेली रूटीन के काम है, डेली रूटीन की बातें हैं, उनमें वो प्रैक्टिस करे उस लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में, तब वो सेकंड लैंग्वेज को जल्दी सीख लेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बहुत ईजी, आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोचिएगा कि आप कैसे सेकेंड लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करेंगे। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि जब हम बच्चे की प्रैक्टिस कराएं उसके फैमिलियर सिचुएशंस में, यानी कि डेली जो वो कर रहा है, जो उससे ज़्यादा जानता है जिन बातों को, उनके अंदर हम उसको बोलने के लिए बोलेंगे, तो क्योंकि रोज़ रोज़ उसका रिपीटेशन होगा, ज़्यादातर हम लोग रोज़ लगभग एक जैसी ही चीज़ें बातें करते हैं, तो वो जल्दी सीखेगा, जल्दी एक्वायर करेगा। बच्चा कैसे सीखता, बच्चा ऐसे ही एक लैंग्वेज को जल्दी सीख लेता है क्योंकि रोज़ रोज़ उसका रिपीटेशन होता रहता है, वो चीज़ों को बोलता जाता है और वो एक्वायर कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, अ फॉरेन और नॉन मदर लैंग्वेज टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, यानी कि एक टीचर है जो कि फॉरेन लैंग्वेज को सिखा रहा है या नॉन मदर टंग लैंग्वेज को सिखा रहा है, तो वो ज़्यादातर फेस करता है इस प्रॉब्लम को कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं, यानी कि एकदम से हासित हो जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, सोचते हैं मैं नहीं समझ पाऊँगा, मुझे नहीं आएगी, ऐसे प्रॉब्लम्स को वो फेस करती है टीचर। दिस कैन बी हेल्प बाई, तो इस सिचुएशन को मतलब इस सिचुएशन को ठीक करने में उसे क्या चीज़ जो है वो हेल्प कर सकती है। ए, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, यानी कि वो अच्छे मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करे जो कि स्टूडेंट यानी जो लर्नर है उसको मोटिवेट करे और पढ़ाई जो है उसे काफ़ी चैलेंजिंग लगने लगे, यानी उसे इंटरेस्ट आने लगे, उसे मन लगने लगे, अच्छा इसमें क्या होगा, ऐसे होता है, अच्छा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें उसे इंटरेस्ट आने लगे। बी, टेकिंग द हेल्प ऑफ एन अकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, यानी या वो किसी अकेडमिक काउंसलर को यूज़ करे जो कि क्लास को एड्रेस करे, क्लास को समझाए कि मोटिवेट करे। सी, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर देम, यानी वो पता करे कौन से बच्चे हैं जो कि अनमोटिवेटेड हो रहे हैं, उनको अलग से स्पेशल क्लास दे। या डी, एनकरेजिंग लर्नर टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, यानी बच्चों को एनकरेज करे कि वो अपने असाइनमेंट खुद से करें, ज़्यादा टाइम ले और खुद से करने की उन्हें कोशिश करें। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा ए, कि वो ऐसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो अगर इन स्टूडेंट्स को पता कर ले कौन से बच्चे अनमोटिवेटेड, उन्हें स्पेशल क्लास दे, तो नेक्स्ट हो सकता है बैच आए उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे उसे, तो क्या वो स्पेशल क्लास देती रहेगी, नहीं, वो कोशिश करे कि वो ऐसे मेथड्स और स्ट्रेटजीज को यूज़ करे जो कि बच्चों को मोटिवेट करे, क्योंकि अगर हम अच्छी स्ट्रेटजीज और मेथड यूज़ करेंगे तो सारे बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा लैंग्वेज को सीखने में। तो ये थे मेरे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीटेट में आ चुके हैं और वही टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर किए हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने कितने सही आंसर किए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।